आरएसएस जैसा बोली मोदी वैसा जाते, आरएसएस जैसा बोली अमित शाह वैसा। कांग्रेस आरएसएस की भी जीत है क्या नरसिम्हा राव? आरएसएस का नहीं क्या नरसिम्हा राव? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले नहीं? अरे मैं कह रहा हूँ आरएसएस के कई लोग आज कांग्रेस में मस्जिद के चबूतरे पर शिलान्यास करवा के इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू करने वाले का नाम राजू। तो मालूम है रहना है जीना है तो सांपों के दरमियान में रहना है। बस हम यही देखते हैं कि इंसान में कौन से सांप में कम जहर है। बस आपकी आवाज को लेते हैं, आपकी नुमाइंदगी करते हैं, आपके आपके लिए लड़ते हैं, आपकी इज्जत के लिए लड़ते हैं, आपके व्यवहार के लिए लड़ते हैं, आपकी शान के लिए लड़ते हैं, आपकी शोक आवाज लगाना, ऐसा नारा लगाना के हर हाउस घूम जाए। नारे अगर गोली लग जाती तो मेरा भाई जख्मी हो जाता और लोगों ने उस चलती हुई गोलियों पर भी तमाशा बनाया, मजाक उड़ाया। क्या हमारी जान जान नहीं? क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं? क्या हमारी बीवी बीवी नहीं? क्या हमारी मां मां नहीं? अगर हम मर जाते तो क्या होता? अरे यहां पे बैठे अइमा है, आपके सीनों में अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का खौफ है। मैं तुमको तुम्हारे ईमान का वास्ता देके पूछता हूं, थोड़ी देर के लिए तस्वर कर लो कि ओवैसी ब्रदर्स नहीं रहे, मर गए, मजलिस खत्म हो गई, तो तुम्हारा पुरसाने हाल पूछने वाला कौन होगा? थोड़ी देर के लिए दिलों पे हाथ रखकर सवाल, हम किसके लिए मरते हैं, किसके लिए मरते हैं, किसके लिए मिटते हैं? अरे हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूरी के लिए काम करते हैं और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत। अरे हम काम कर रहे और हमसे कहते कि बिल्डिंग, अरे जब मजलिस बनी थी तो उस वक्त भी लोग बोले क्या जरूरत मजलिस की, क्या जरूरत इलेक्शन लड़ने की, क्या जरूरत बल्दिया इलेक्शन लड़ने की, क्या जरूरत असेंबली लड़ने की, हम नहीं लड़ना था। अगर उस वक्त नहीं लड़ते, नहीं लड़ते ना माफ करना, मैं कोई भाई माफ करना कोई खराब ना करे। अगर उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ते तो यहां बैठने को हमको कुर्सी भी नहीं मिलती। अरे जब से लड़ने के आए तो अकबर भाई बने, असद भाई बने, सानार बने, फखरे मिल्लत बने। अगर नहीं लड़ते तो क्या आज ये होता? क्या उत्तर प्रदेश में अइमा मजदूरों को मिल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है? क्या गुजरात में शादी मुबारक की तरह मुसलमानों को पैसा दिया जा रहा है? बीजेपी इस रियासत में कमजोर हो गई, बीजेपी कमजोर हो गई, तो बीजेपी का स्टेरिंग किसके हाथ में रहता मालूम आपको? किसके हाथ? बीजेपी का स्टेरिंग आरएसएस के हाथ है या नहीं? है या नहीं? आरएसएस जैसा बोली मोदी वैसा जाते, आरएसएस जैसा बोली अमित शाह वैसा जाते, आरएसएस जैसा बोली यहां के हमारे बीजेपी के सदर वैसे जाते। तो आरएसएस के पास बीजेपी का स्टेरिंग, आरएसएस ने महसूस किया कि हमारी ए टीम, हमारी ए टीम, आरएसएस की ए टीम कौन? बीजेपी। ए टीम कमजोर हो गई तो क्या सोचा, चलो ए टीम कमजोर हो गई तो बी टीम के हाथ में स्टेरिंग दे देंगे। बी टीम कौन है? कांग्रेस आरएसएस।
कांग्रेस में मौजूद है। क्या गलत है या बुजुर्ग बैठे जानते हैं क्या राजीव गांधी ने शिलान्यास नहीं करवाया था? नौजवानों तुमको नहीं मालूम बाबरी मस्जिद के चबूतरे पर शिलान्यास करवा के इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू करने वाले का नाम राजीव गांधी, बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाले का नाम नेहरू था, समझे आप? और फिर 50,000 फिसादात में हमको लूटने वालों का नाम भी कांग्रेस था। क्या वोट किला का फिसाद नहीं हुआ? क्या भिवंडी का फिसाद नहीं हुआ? क्या जमशेदपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या आगरा का फिसाद नहीं हुआ? क्या अजमेर का फिसाद नहीं हुआ? क्या मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या हाशिमपुरे का फिसाद नहीं हुआ? क्या पुराने शहर का फिसाद नहीं हुआ? क्या अहमदाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या गुजरात का फिसाद नहीं हुआ? क्या मध्य प्रदेश का फिसाद नहीं हुआ? अरे हिंदुस्तान का कोई चप्पा नहीं बचा जहां पे हमारा खून नहीं गया। फिर आप बोलेंगे अरे भाई, फिर आप अरे भाई हमारा हाल क्या है मालूम? हमारा हाल, मैं अपनी बात कहूंगा, अरे हमको तो मालूम है रहना है जीना है तो सांपों के दरमियान में रहना है। बस हम यही देखते हैं कि इंसाफ में कौन से सांप में कम जहर है। बस आपकी आवाज को लेते हैं, आपकी नुमाइंदगी करते हैं, आपके आपके लड़ते हैं, आपकी इज्जत के लड़ते हैं, आपके व्यवहार के लड़ते हैं, आपकी शान के लड़ते हैं, आपकी शौकत के लिए, आपकी आबादियों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी इज्जत आबरू के लिए लड़ते हैं। हर एक से लड़ते हैं, हर एक से लड़ते आए। क्या जेल नहीं गए? अरे मैं 5 मरतबा जेल गया, मेरा भाई 6 मरतबा जेल गया। मेरी एक हिम्मत होती है, वो हिम्मत क्या होती है? मेरे कौम की आवाज और मेरी कौम की बेबाकी मेरी हिम्मत और मेरे जोश में इजाफा करती है। मेरा हदिया मुझे दे दो, ऐ माय मौलवी जोरदार आवाज लगाना, ऐसा नारा लगाना कि हर हाउस घूम जाए। नारे